नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातण क्रमांक 1 के विद्युत विभाग ने मंगलवार को बिजली ही काट दी। विद्यालय पर बिजली बिल बकाया था, समय पर बकाया बिल विद्यालय जमा नहीं कर पाया, इसके कारण विद्युत विभाग ने कनेक्शन ही काट दिया। स्कूल में अंधेरा छा गया, देर शाम तक दोबारा कनेक्शन नहीं जोड़ा जा सका। बिजली कटने के कारण मूल्यांकन कार्य पूरी तरह से ठप रहा और कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया। ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, ऐसे में विद्युत विभाग पर राजस्व वसूली का दबाव है। बड़े बकायादारों के खिलाफ विभाग ने अभियान चलाया है, सरकारी कार्यालयों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई के जद में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मातण क्रमांक 1 भी आ गया, इसे माध्यमिक शिक्षा मंडल समन्वय केंद्र भी बनाया हुआ है। यहाँ बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य भी किया जा रहा है। इसके बाद भी विद्युत विभाग ने कनेक्शन काटने में कोई रियायत नहीं की। विद्युत विभाग ने स्कूल परिसर का कनेक्शन काट दिया, बजट न होने के कारण समय पर स्कूल प्रबंधन बिल जमा नहीं कर पाया, इस लापरवाही के कारण मूल्यांकन कार्य मंगलवार को ठप रहा। शिक्षक बिजली आने का इंतजार करते रहे, एसआई से भी प्रचार ने गुहार लगाई, लेकिन स्कूल की आधी बिल्डिंग का कनेक्शन दोबारा जोड़ा गया। प्रचार सुधीर कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत सप्लाई बाधित होने से मूल्यांकन कार्य में रुकावट आई है, यहां गर्मी काफी है और पेयजल व्यवस्था भी ठप है, जिसके चलते मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी मूल्यांकन के कार्य चल रहा है, दो दिन से लाइट नहीं है यहाँ, तो कैसे आप लोग मूल्यांकन कार्य कर, कल प्रभावित भी हुआ था माना जा रहा है। गर्मी के कारण वेल्युअर परेशान है और पानी नहीं आ पा रहा है, इसके कारण पानी की दिक्कत हो रही है और फीडिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि कंप्यूटर बंद है। मेन फीडिंग नहीं हो रही, फीडिंग भी नहीं हो पा रही, दो दिन हो गया। मूल्यांकन करते हुए भी आप लोग फीडिंग नहीं कर पा रहे, फीडिंग नहीं हो पा रही, काम बढ़ रहा है क्योंकि नंबर डेली का डेली आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। मतलब अपडेट आप देते रहते हैं लेकिन अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कल मूल्यांकन जो हुआ उसकी फीडिंग आज हो जाती है, है ना, तो वो फीडिंग नहीं हुई, कल नहीं हुई, आज नहीं हुई, तो फिर परसों से दो दिन का काम पेंडिंग हो जाएगा और वर्कलोड बढ़ रहा है। बीते दो दिन से यहाँ लाइट काटी गई है, अभी क्या हालात है और कैसे आप लोग मूल्यांकन? ये जहाँ खड़े हैं आप, वो फिजिक्स की वैल्यूएशन हो रहा है। दो दिन से मतलब कल शाम से लाइट कट गई है और अभी तक नहीं आई, जिसके कारण वैल्यूअर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं और पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बिजली का पानी, बिजली कारण, बिजली तो नहीं होने कारण आप देख रहे हैं कि आप भी तो खड़े हैं देख ही रहे हैं कि बिजली आज दो दिन से बिल्कुल नहीं है। तो मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए मतलब बिजली काटने की रिक्वेस्ट भी किया गया था, तो अभी तक बिजली नहीं जोड़ी जा रही, तो क्या मानते? अब हम लोग तो केवल मूल्यांकन केंद्र अधिकारी से ही बात कर सकते हैं, बाकी हम लोग बाहर तो बात नहीं करेंगे। मूल्यांकन केंद्र अधिकारी फ़ोन लगाए हैं, अब इसके बाद वो कहे हम जुड़वा रहे हैं तुरंत ही, ये बात किए हैं, अब कैसे जुड़वा रहे हैं कि नहीं जुड़वा रहे, अब ये तो वही बताएंगे मूल्यांकन केंद्र अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला। मातण में यहाँ आपके यहाँ मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, इसके बावजूद कल यहाँ की लाइट काटी गई जिससे मूल्यांकन का कार्य प्रभावित हुआ, तो क्या था इसमें? हमारे यहाँ कक्षा 10 और 12वीं की कापियाँ जांची जा रही हैं, मूल्यांकनकर्ता 300 कर्मचारी लगे हुए हैं कार्य में। कल यहाँ अचानक लाइट कट गई, तो चूंकि हमारी एससी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल आपका काफ़ी पेंडिंग है स्कूलों का, तो हम लोग 3-4 दिन से लगे हुए हैं कि बिल जमा हो जाए, तो कभी बजट दिखता है कभी जीरो हो जाता है बजट, और जब लगाते हैं तो दिन भर में दो ही बिल लग पाते हैं। ये एक टेक्निकल दिक्कतें थीं, फिर हमने एससी साहब से बात की तो लाइट सीओ साहब को बताया तो लाइट हमारी जुड़ गई। सर कल रिक्वेस्ट भी की गई थी कि भैया हम बिल जमा कर देंगे, इसके बावजूद लाइट काटी गई, तो क्या आप लोगों ने इस बात की ऊर्जा अधिकारी को बताया, अवगत कराया? अवगत कराया था, लेकिन अभी भी हमारे कैंपस की आधी लाइट कटी हुई है, जिससे पानी ना होने से मूल्यांकनकर्ताओं को बड़ी परेशानी हो रही है, स्कूल में पानी बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने बिल का भुगतान नहीं कर दिया है? अभी कोशिश कर रहे हैं जमा करने की, आज फिर सर्वर कल डाउन था, आज सुबह तक कार्रवाई हो जाएगी। कल मूल्यांकन का भी प्रभावित हुआ है? जी हाँ, काफ़ी प्रभावित हुआ, 3-4 घंटे मूल्यांकन प्रभावित हुआ।